हम देखने वाले हैं कि 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कैसे बनाया जाए। कई बार हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है पर हमारे पास 5 वोल्ट अडाप्टर या फिर बैटरी नहीं होता है। हमारे पास क्या होता है, 12 वोल्ट का एक अडाप्टर या फिर 12 वोल्ट का एक बैटरी। तो मेरे पास एक 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है, आप देख सकते हैं। ये रहा, मैं दिखा रहा हूँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें 12.7 18 15 या फिर 14 ऐसा ही कुछ वोल्टेज दिख रहा है, यानी कि 12 वोल्ट का ये अडाप्टर है। अभी मैं इसे हटा लेता हूँ। अभी हमें 5 वोल्ट कैसे बनाना है, तो 5 वोल्ट बनाने के लिए सिंपल हमें यहाँ पे एक आईसी का ज़रूरत है, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी बोलते हैं इसे। 5805 का नंबर है, आप परचेस कर सकते हैं 5 रुपीज़ का या फिर कई जगह पर 10 रुपीज़ का आता है। ये बहुत ही सिंपली आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ग्राउंड पे ये नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया और लेफ्ट पे आपको लगाना है पॉजिटिव टर्मिनल जो इनपुट है, और इसे ऐसे लगाना है। अभी हम देख सकते हैं कि मल्टीमीटर में यहाँ पे कितने वोल्ट शो कर रहा है। ये मैंने सेट कर दिया मल्टीमीटर को और अभी हम देखते हैं कि कितना वोल्ट दिखा रहा है। ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल पर और ये पॉजिटिव पे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 8 वोल्ट तक हमें दिखाई दे रहा है। तो ये फिल्टर नहीं है इसलिए 8 वोल्ट हमें दिखा रहा है। आप ये देख सकते हैं, आप 8 वोल्ट तक दिखाई दे रहा है, ये फिल्टर नहीं है इसलिए 8 वोल्ट तक दिखाई दे रहा है। तो हम अगर इनपुट में देखें तो फिर हमें 12 वोल्ट देखने को मिलेगा और आउटपुट में हमें देखने को मिलेगा 8 वोल्ट। तो अब हमें इसे फिल्टर करना है। तो कैसे करें, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा ये आईसी, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, एक डायोड IN 4007 है, 4007 है इसका नंबर, आप देख सकते हैं। ये फोकस में नहीं आ रहा है, ये आ गया IN, ये रहा इसका नंबर। तो इसे आप देख सकते हैं। एक कैपेसिटर, ये 10 माइक्रोफैरड का है और 63 वोल्ट। आप वोल्टेज आप 5 वोल्ट का है तो 10 वोल्ट से ऊपर लीजिएगा, 12 वोल्ट 24 वोल्ट आप वोल्टेज में उतना मैटर नहीं करता है, पर कम वोल्ट 5 वोल्ट से कम या फिर 10 वोल्ट से कम नहीं लीजिएगा तो ये ख़राब हो सकता है, कैपेसिटर फट भी सकता है। और अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो एक मैं रेड LED यूज़ करने वाला हूँ और उसके साथ में एक 1K रजिस्टर बोलते हैं इसे, 1K रजिस्टर हम यूज़ करेंगे। तो चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे, इसे खोल लेते हैं। और एक बात, इस आईसी को आप एक हीट सिंक के ऊपर या फिर एल्युमिनियम प्लेट के ऊपर लगा लीजिएगा, वरना ये बहुत गर्म होता है, ये जल भी सकता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डायोड का ये पॉजिटिव टर्मिनल हमें यहाँ पे लगा देना है, सोल्डरिंग करना है। तो फिर मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे हमें लगा लेना है, देख सकते हैं आप, ऐसे मैंने लगा लिया। और फिर ये रहा इनपुट का, और आउटपुट में क्या करना है, हमें फिल्टर के लिए एक कैपेसिटर लगा लेना है, 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, जैसे कि आपको दिखाया था नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि जहाँ पे ये नेगेटिव मार्क रहता है इसे नेगेटिव। और दूसरी बात यह है कि दोनों पिन अलग अलग साइज का आपको मिल जाएगा, बड़ा पिन होता है पॉजिटिव और छोटा पिन होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव को बीच में हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं लग गया, और पॉजिटिव को दाहिनी और आउटपुट के साइड में लगा लेना है। तो ये लग चुका है। अभी क्या करना है, अभी अगर हमें इंडिकेटर की ज़रूरत हो तो फिर पॉजिटिव के साइड में ये हमें एक रेजिस्टेंस लगा लेना है कुछ इस तरीके से, आप नेगेटिव के साइड भी लगा सकते हैं कोई बात नहीं है। और LED का जो पॉजिटिव लेग है, यानी कि जो बड़ा लेग है उसे पॉजिटिव और जो छोटा है उसे नेगेटिव कहते हैं। तो नेगेटिव को बीच में ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, और पॉजिटिव को या रेजिस्टेंस के साथ हमें कनेक्ट करना है
ऐसे पॉजिटिव को रेजिस्टेंस के साथ हमें कनेक्ट करना है। तो मैंने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, अच्छे से सोल्डरिंग कर लेता हूँ। सोल्डरिंग अच्छे से करना चाहिए वरना खुल सकता है। अब हम देखते हैं कि हमारा काम हुआ कि नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव, ये लाइट जल रहा है, इंडिकेटर हमें शो कर रहा है, यानी कि सर्किट कंप्लीट है। अभी हम अगर देखेंगे तो ये रहा हमारा मेरा वोल्टमीटर, मतलब मल्टीमीटर। और अब मैं अगर टेस्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पे पॉजिटिव, ये देखिए 5.78 या फिर ऐसे 5 वोल्ट दिखा रहा है हमें। और इनपुट में हमारा 12 वोल्ट है, आप देख सकते हैं ये रहा इनपुट। वीडियो कट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई फेक वीडियो नहीं मिलता है। ये 11.40 यानी 12 वोल्ट के आसपास आपको दे रहा है। तो ऐसे बनते हैं हमारा 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्टर। और हीट सिंक लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत गर्म होता है इतनी सी वक्त में, 2-3 मिनट में ये बहुत गर्म हो गया। यहाँ पे हीट सिंक पेस्ट और एक हीट सिंक लगाना ज़रूरी है। तो इसे यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, जो एम्पलीफायर में, हमारा 12 वोल्ट का एम्पलीफायर में, अगर ब्लूटूथ या फिर पेन ड्राइव राइडर अगर हमें लगाना है, यानी USB राइडर हमें लगाना है, तो वहाँ पे 12 वोल्ट से नहीं चलता है। वहाँ पे ऐसा ट्रांजिस्टर, मतलब ऐसा IC का ज़रूरत पड़ता है, तो फिर 5 वोल्ट कन्वर्ट करना कर सकते हैं हम। ये देखिए IC का नंबर, आप जाके ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको इंडिकेटर चाहिए हो तो फिर आप ये LED और एक रजिस्टर लगा सकते हैं, वरना आपको इसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही लगा सकते हैं। और एक मेथड में होता है, वो है जीना डायोड के, जीना डायोड से, तो वो इससे उससे ज़्यादा अच्छा यही तरीका है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा महंगा आता है जीना डायोड, 1 रुपये कई जगह तो उससे भी कम रेट में आ जाता है। पर आप ट्रांजिस्टर मतलब IC का यूज़ करेंगे तो सर्किट बेटर रहेगा, बहुत दिन चलेगा ये सर्किट। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा, और देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का जरूर दबा दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो ला सकूँ मैं।